और ऐसी सर्दी गर्मी बरसात में एक साल बेचारा किसान सड़कों पे पड़ा रहा, तब आज उसको। तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। जो इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन है ना, तो इसी का परिपेक्ष है कि इंदिरा गांधी जी एक लौह पुरुष थे और उनको इस बात का आज मलाल हुआ। और एक नाटक है ये, केवल कानून वापस लेने का भी मोदी जी का एक नाटक है, क्योंकि 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं यूपी में। उन्हें पता है कि यूपी में हमारी सरकार नहीं आएगी, ये कानून वापस नहीं लेंगे, तो उन्होंने केवल दिखावा और नाटक किया है कि हम कानून वापस जब होगा, जब ये लोकसभा में बिल जाएगा वापस से, और इस लोकसभा में बिल जाने के बाद और उसके ऊपर उसको निर्णय होगा और तब इस कानून को लिया जाएगा। अगर मोदी जी किसानों की इतनी ही परवाह करते तो वो 15 दिन में 20 दिन में उस कानून को वापस ले सकते थे, इतने किसानों को मारने की क्या आवश्यकता थी। और ऐसी सर्दी गर्मी बरसात में एक साल बेचारा किसान सड़कों पे पड़ा रहा, तब आज उसको किसान का वापस लेना ही था, आज तो क्या उसको लेना ही पड़ता। जब किसान बिल वापस लिया है आज मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आज उनको जब यूपी इलेक्शन सर पे आए हैं तो किसानों का बिल वापस लेने का ध्यान आया है। उसके अंदर आपने देखा होगा किसान कब से धूप के अंदर, बरसात के अंदर, कड़ाके की ठंड के अंदर सड़कों के ऊपर रहे और खेतों में रहे, और कितने ही किसानों को जान से हाथ धोना पड़ा, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी और इन्होंने फायरिंग कराई, फायरिंग में मरे लोग, और इन्हों के लोगों ने गाड़ियों के नीचे दबा दबा के मारा लोगों को, किसानों को। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी की आंख नहीं खुली, लेकिन आज जब सर पे इन्होंने मालूम पड़ा यूपी के अंदर स्थिति खराब है हमारी, इस चीज़ को लेकर भी हमारी स्थिति खराब है, तब जाके इन्होंने किसानों का बिल वापस लेने की बात कही है। और हम ये याद दिला दें और सारी किसान भाइयों से बोलते हैं, किसान भाइयों, ये आपको लॉलीपॉप है, फिर आप यूपी के इलेक्शन ख़त्म होने के बाद वापस कोई ना कोई नया फफूजा लेकर आएंगे आप किसानों को परेशान करने के लिए, इसलिए आप सोच समझ के अपने कांग्रेस को ही वोट दें और कांग्रेस का ही समर्थन करें। आप देखिए कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन को एक साल हो जाएगा। इस देश की आज़ादी के बाद 800 लोगों किसानों ने शहादत दी है इस देश के अंदर, ये इससे बड़ा और कोई चीज़ नहीं हो सकता कि देश की आज़ादी के 75 साल के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन, इतने लोगों की शहादत। मोदी जी ने आज तक जो कहा वो किया कहाँ, नोटबंदी की उसके बाद माफ़ी मांगी चौराहे भी खड़ा कर देना, आ जाऊँगा चौराहे भी लटकने के लिए। मोदी जी ने GST लागू किया और 33 बार GST की मीटिंग हो चुकी है। अब ये कई इसके पहले भूमि आपत्ति जो कानून लाए थे राहुल गांधी जी के, उसके पर उनको दोबारा विड्रॉ करना पड़ा। आज ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, मोदी जी की गलत नीतियों की हार है। मोदी जी को इस मामले में प्रक्षित करना चाहते हैं तो 800 किसान जो जिनकी डेथ हुई है उनको बच्चों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए, उनको आर्थिक पैकेज देना चाहिए कि किसान जो एक लंबे समय से खेतों में नहीं बैठकर सड़कों में बैठा था उसको आर्थिक जो नुकसान हुआ है उस पैकेज की घोषणा भी करनी चाहिए। और ये मोदी जी अगर पैकेज की घोषणा करेंगे तो निश्चित उसे मान के चलूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, पर मोदी जी कम से कम किसान की आँख के आंसू तो आपने पहुँचने की बात करिए, पर उनके घर के अंदर राशन और आटा पहुँचाने की भी बात कीजिए। धन्यवाद। बड़ी चीज़, आज जो किसान आंदोलन लगभग 1.25 साल से किसान आंदोलन चल रहा था, जब जाके मोदी जी की नींद जगी, जब यूपी और पंजाब के अंदर उनको चुनाव नज़र आ रहे हैं, उन्हें नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में गुजरात के अंदर चुनाव, जबकि 800 किसानों की जान जा चुकी है, उन अन्नदाताओं की जान जा चुकी है जो हमका सबका लालन पोषण और भरण पोषण कराते हैं, तो उस स्थिति में इनको सद्बुद्धि दे और किसानों के जो जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उनकी आत्मा के लिए हम शांति की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आने वाले समय में इस तरह के निर्णय मोदी जी आपने लिए तो जनता आपको देश की उखाड़ के फेंकेगी।